वकील साहब जिंदाबाद, 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 वकील साहब जिंदाबाद। आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। वकील साहब जिंदाबाद, वकील साहब जिंदाबाद, नादिया शमीम जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी नादिया शमीम जिंदाबाद, चौधरी नादिया शमीम जिंदाबाद, चौधरी नादिया शमीम। मैं ब्लॉक सात्रा से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज फॉर्म भर रही हूँ। मैम बताइए कि मुझे पे आप इस वक्त जो है कोई ग्रुप अलायंस की बात कर रहा है, दफ़ा 300 को वापस लाने की बात कर रहा है, 35 को वापस लाने की बात है, आप किन मुद्दों पे इलेक्शन लाने? जी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ये तो हाई लेवल के मुद्दे हैं ज़्यादातर। मैं आमतौर पर अपनी इस गरीब आवाम की मदद करना चाहती हूँ, इनके लिए मैं मैदान में आई हूँ। मैम किस तरीके के मुद्दे हैं गरीब लोगों के? इस एजुकेशन है, रोड है, फंडिंग है जो आम आवाम तक नहीं पहुंचती है। मेरी कोशिश रहेगी कि वो हर एक तक आवाम, छोटे से छोटे जो आदमी उन तक भी पहुंचे। तो मेरा नाम नाजिया शमीम है, मैं DDC कैंडिडेट सात्रा से अपना फॉर्म फिल करके आज बाहर आई हूं। और मैं आवाम से ये कहना चाहती हूं, सबसे पहले तो आवाम का तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि वो आज अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे साथ यहाँ पे आए। और मैं ज़्यादा बड़ी किसी बात पे नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मेरा ये है कि मेरे जज्बात रखती हूँ अपने गरीब आवाम के साथ, उनका हर काम करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे तौफीक भी दे और इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूँगी। हमारे यहाँ इस इलाके के छोटे छोटे मसाइल हैं, किसी की बिजली पानी, किसी का राशन, किसी का, अभी तो हम इसी मसले से जूझ रहे हैं तो हम बड़ी बात क्या करेंगे। किसी को वक्तन फवक्तन राशन नहीं मिल रहा है, किसी को आधा मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। यही छोटे छोटे मसले हमें हल करने हैं, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवाम से हमारी गुजारिश है कि दिल खोल के अपना मुझे वोट दें और मुझे कामयाब बनाएं, इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। जो सबसे पहले हमारे लिए छोटे मसाइल हैं, अगर हमारे यहाँ के छोटे मसाइल ही हल नहीं होंगे तो हम आगे क्या करेंगे। 35 मानते हैं वो भी हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हम जब तक अपने छोटे मोटे मसाइल को हल नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ भी हमारे दूर दराज इलाकों में बहुत लोग जो हैं ऐसे गरीब हैं जहाँ तक नहीं कुछ पहुँच पा रहा है, उन लोगों की बात सुनना भी हमारा फ़र्ज़ है, हमें पूरा उनकी उम्मीदों पर उतरना भी होगा। क्योंकि जो छोटे मोटे लोग हैं वो किसी, उनके पास कोई नहीं जा पाता है, उसके पास उनके पास जाएँगे इंशाल्लाह और उनका सारा काम जो इंशाल्लाह करें। अल्लाह सबसे पहले तो यहाँ पे सड़कों का मसला है, वही नहीं अभी तक किसी मतलब दूर दराज इलाकों में नहीं पहुँच पाई है। उसके बाद राशन का मसला है, किसी के BPL का मसला है, किसी के APL का मसला है, यही छोटे मोटे मसले, किसी के पानी का मसला है, बिजली का मसला, यही छोटे मोटे मसले जो है हमें हल करने होंगे। तालीम का मसला है, अगर हमारे यहाँ तालीम ही बेहतर नहीं हो पाएगी तो हम आगे क्या कर पाएंगे।